बात करेंगे सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, मैंने पूरी एक सीरीज चलाई है जो आप वीडियोस में जाके उन सभी को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों इसी के साथ साथ आप ये भी बताएं कमेंट के माध्यम से जल्दी से, पहले तो ये आप ये बताएं कि मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा, तो मैं उसको कम करूँ या इसी तरह रहने दूँ। आप दोस्तों एक बार कमेंट और लाइक के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेठी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, जो जनरल शब्द होता है वो किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो जो ये जनरल होता है वो किस सेना का? थल सेना का अधिकारी पद हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको दिख जाए जनरल, जनरल दिख जाए और कर्नल दिख जाए तो आप हमेशा थल सेना लगाना जी, यानी जनरल के आगे जैसे लेफ्टिनेंट जनरल मिल जाए, मेजर जनरल मिल जाए तो ये थल सेना के होंगे, और कर्नल मिल जाए, लेफ्टिनेंट कर्नल मिल जाए, और ब्रिगेडियर याद रखिए, ब्रिगेडियर भी क्या थल सेना के अधिकारी पदों का ही नाम होता है। इसी के साथ साथ मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट ये आप याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों जो नौसेना अधिकारी, नौसेना अधिकारी में क्या होता है? एडमिरल होता है, एडमिरल आप याद रखना। फिर उसमें देखो वाइस एडमिरल आ जाएगा, रियर एडमिरल हो जाएगा, और इसी के साथ साथ दोस्तों जो वायुसेना, वायुसेना के अधिकारी होते हैं उसको एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, यानी आप ये याद रखना, एयर चीफ मार्शल और एयर मार्शल से तो याद ही रह जाएगा, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो किसमें हो जाएगा दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, और आर्टिकल नंबर 370 में जम्मू कश्मीर की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप ये गुलमर्ग के चित्र भी देख सकते हैं, जो विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग है ये कहाँ पर? कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो जो रेल पथ का नैरो गेज होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 0.610 मीटर होती है, और जो मीटर गेज होता है उसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। दोस्तों ये जो नैरो गेज होता है इसमें छोटी ट्रेनें चलती है, आपने देखा होगा बहुत सी लाइनें, यानी बहुत से छोटे छोटे गांवों तक या शहरों तक छोटी लाइन, यानी जो नैरो गेज लाइन बिछा दी जाती है और उसके ऊपर छोटी ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? जापान को। जापान को क्या? उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो जो ये अजमेर है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अजय राज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो ये किस मुगल राजा ने की थी? दीन ए इलाही की अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 में की थी। अकबर ने कहा था कि दीन ए इलाही यानी भगवान जो है वो एक ही है, ये इन्होंने बात कही थी, याद रखना। स्थापना कब की थी? 1582 में। इसी के साथ साथ दोस्तों आप ये भी याद रखना, 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, जिसे अपन हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से जाने जानते हैं, और जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों आप ये जानते हैं 1571 में, आप जानते हैं आगरा के नज़दीक एक जगह है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा है, वो भी बहुत ऊंचा दरवाज़ा है। तो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, और इसके बाद अकबर ने इसकी मुगल साम्राज्य की इसको राजधानी भी बनाया था, किसको? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद दोस्तों आप ये भी याद रखना, जो इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में, इन्होंने एक इबादत खाना भी खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो जो ये मानसून हवा होती है वो कौन सी? वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये रूस में जो साइबेरिया है पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह है, तो जो 1857 विद्रोह है वो किसके खिलाफ? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का ये विद्रोह था, और इसी समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ये भी आप याद रखना, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद जब ये 1857 का विद्रोह हो गया था, उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा व्यापार का अधिकार छीन लिया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया, और ब्रिटिश क्राउन ने जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद हटा के भारत का वायसराय का पद रख दिया, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है, तो ये कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा हो जाएगा, तो दोस्तों आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए प्रसिद्ध उद्धरण
सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए ही चुनी जाती है, ये किसने दिया था? तो ये किसने दिया था, प्रसिद्ध उदाहरण अब्राहम अब्राहम लिंकन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया किस धर्म से संबंधित हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसके साथ साथ आपको और भी जानकारी देता रहता हूं, तो आप उसको भी अच्छे से सुने। बौद्ध धर्म में दोस्तों आप जानते हैं गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कब हो गया था, 563 BC में हो गया था, और मैंने पूरी जानकारी पिछले वीडियो में बताई दी थी, तो आप पिछले वीडियोस को भी जल्दी से जल्दी देखें। और दोस्तों प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, बहुत ही कम व्यू आते हैं तो आप शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव हो जाएंगे। और 10वें गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु हो जाएंगे, 9वें गुरु हो जाएंगे, जिनको औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, और कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर, ये भी आप बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो जो भारत में सबसे लंबी सड़क है वो कौन सी है, जीटी रोड। जीटी रोड की स्थापना किसने कराई थी, शेरशाह सूरी ने कराई थी, ये भी आप याद रखना। शेरशाह सूरी दोस्तों आप जानते हैं किसके बाद आया था, ये हुमायूं के बाद आया था, यानी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, उसके बाद शेरशाह सूरी ने उपाधि धारण की थी। और डाक व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय भी इसी को जाता है। और इसका मकबरा कहाँ है, सासाराम में है, ये भी याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जयपुर जाना जाता है गुलाबी नगरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ साथ ये सबसे पहले किसको मिला था, भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। इसी के साथ साथ जैसे दोस्तों आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 18 में बात हुई है उपाधियों का अंत, तो जो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी उन्होंने भारत रत्न जो पुरस्कार है इसको बंद कर दिया था। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 18 के तहत की यानी जो उपाधियां मिलती है उनका अंत होना चाहिए, परंतु इंदिरा सरकार ने वापस इसको चालू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। दोस्तों संविधान सभा में बात करें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिनके पहले अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन रख दिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रख दिए गए, ये भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे, बिहार से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सैल उद्यान किसने बनाया था, तो जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है ये सैल उद्यान किसने, नेक चंद्र ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो जम्मू है ये तवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, तो ये कौन सा शहर हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। दो और जो 2020 के समर ओलंपिक खेले जाएंगे वो कहाँ खेले जाएंगे, वो भी यहाँ ही खेले जाएंगे, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं, तो ये कहाँ पाए गए हैं, मिस्र में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और दोस्तों आप जानते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो गांधी जी थे वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेल पथ के मीटर गेज है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने पूरी ट्रिक के माध्यम से बता रखा है कि कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे छोटा, यानी पहले एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और बिल्कुल आपको लाइन से जैसे मुझे याद हुआ है वैसे ही आपको हो जाएगा, आपको बस यहाँ आई बटन पर दोस्तों दिख जाएगा। और उस वीडियो को आप ट्रिक के माध्यम से देखिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और उसमें दोस्तों ये भी बताया गया है कि किस महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ये भी आप उसको अच्छे से एक बार वीडियो को देख के आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। अपन को याद रखना है दोस्तों इंडिया, इंडिया कौन से नंबर पे है, तो इंडिया 7वां बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, और दूसरा बड़ा देश हो जाएगा किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पशु है, तो विश्व का जो सबसे लंबा पशु है वो कौन सा हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पे है इसकी माउंट एवरेस्ट, ये आप कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा, तेंजिंग नोर्गे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल कस्बा किस राज्य में है, तो जो ये कारगिल कस्बा है ये किसमें, जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, कब लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था, और जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होके मारा भी गया था। यानी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चार ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सा शासक युद्ध में मारा गया, तो ये इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, और जो सरदार की इनको उपाधि मिली है, जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तो सत्याग्रह में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद बारडोली की जो महिलाएं थी इन्होंने सरदार की उपाधि धारण कर दी। सही बात तो यह, बारडोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया, किसकी स्मृति में दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ त्से तुंग संबंधित है, तो किससे, चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, ये तो सभी जानते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये भी आसान है। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया, लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो जो ये अलीगढ़ है ये ताले बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए क्या है ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं टोटल, तो हमारे सौर परिवार में कितने हैं, 8 ग्रह, पहले कितने थे, 9 ग्रह, प्लूटो को हटा दिया गया, क्यों हटाया, क्योंकि ये दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो जो ये बैसाखी त्यौहार है ये किस धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति यानी शाहनामा किसने लिखी, तो शाहनामा किसने लिखी, फिरदौसी ने लिखी थी, और जो फिरदौसी है ये महमूद गजनवी का दरबारी कविता, परंतु महमूद गजनवी था वो इसका कभी समर्थन नहीं करता था। महमूद गजनवी को आप जानते हैं, ये जो गुजरात के मंदिरों पे इन्होंने आक्रमण किया था, और इन्होंने कितने बार आक्रमण किया था, भारत में 17 बार आक्रमण किया, और 1027 में इन्होंने सिंध पर लास्ट आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 17वां आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था, तो किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध, ये भी आप याद रखना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल हो जाएगी। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, तो जो अनुच्छेद 370 है वो भारत के किस राज्य में लागू है, जम्मू कश्मीर में लागू है। तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न
आपके सामने कवर किए हैं। प्लीज दोस्तों आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अभी अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और मैं आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, कौन सी बुक प्रेफर रहेगी और बुक के बजाय दोस्तों ये अच्छा तरीका रहेगा, इसलिए आप इन वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें और नए मेहमानों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।